इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उनको शांत देखकर शिष्य बड़े आश्चर्यजनक हो गए। उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप अस्वस्थ लग रहे हैं, क्या बात है, आज आप कुछ बोल नहीं रहे। तो उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। और वहीं दूसरी ओर कोई दूर खड़ा हुआ आदमी चिल्ला रहा था कि मुझे आज सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। ये सुन के गुरुजी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली और वो ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद फिर वो आदमी ने चिल्लाया कि आज मुझे सभा में क्यों नहीं आने दिया गया है, आज मुझे सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। तो इसके बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि भैया इसको सभा में आने की अनुमति दी जाए। तो जैसे ही गुरुजी ने सुना, गौतम बुद्ध ने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, वो आदमी सभा में नहीं आएगा। तो सारे शिष्य पूछा कि क्यों गुरुजी? तो गौतम बुद्ध ने कहा क्योंकि आज वो अच्युत हो चुका है। तो सारे शिष्य आश्चर्यजनकता से गुरुजी को देखने लगे। उन्होंने पूछा कि हमारे धर्म में तो जात पात तो हम मानते ही नहीं है, हमारा धर्म तो जात पात से काफी ऊंचा है, तो वो अछूत कैसे हो गया? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोधितता मन की एकाग्रता को भंग कर देता है। क्रोधित आदमी मानसिक हिंसा कर बैठता है। उन्होंने बताया कि क्रोधित आदमी मानसिक हिंसा कर बैठता है, वो जब तक वो क्रोधित होगा रहेगा तब तक वो अछूत होगा। तो इसी कारण उसको अभी दूर खड़े रहने दो थोड़ी देर तक। तो ये बात जैसी उस आदमी के कानों में पड़ी गुरु जी की, और वो पश्चाताप की आंख में तप कर वो बात समझ गया कि वो गलत है और गुरु जी के चरणों पर जाकर गिर गया। और उन्होंने उससे माफी मांगी कि गुरु जी मैं अब कभी भी क्रोधित नहीं होऊंगा। आश्चर्य है ना दोस्तों कि क्रोध से भरा हुआ आदमी जब गलतियां तो कर देता है तो बाद में उसका पश्चाताप भी करता है। दोस्तों इस कहानी से केवल एक ही सीख मिलती है कि अगर आपसे कोई गुस्से में बात करे तो उस समय उससे बात करना गलत होगा। सही उपाय ये है कि उस आदमी से उस समय उसको निगलेक्ट कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, और जब उसकी समझ में आ जाए या जब उसका क्रोध या जब उसका गुस्सा कम हो जाए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।